हेलो। हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जा रही हूँ घास को, और जाते जाते कर रही हूँ एडिट वीडियो। तो मेरी सांस फूल गई है। और देखिए, मैं यहाँ पर अरबी के खेत में अरबी की सफाई कर रही हूँ, और यहाँ पर खीरे की बेलें थी चारों तरफ, तो ये अब सूख चुकी है और खीरे लगना भी बंद हो गए हैं, और अरबी के पत्ते भी अब ख़त्म ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं खेत में कर रही थी खेत की सफाई, और ये यहाँ पर अरबी के पत्ते थे, तो मैंने सोचा अब ये ख़त्म ही होने वाले हैं। तो इसकी बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है आलू ने अरबी का भुज्जू। तो ये डंडल के साथ ही मैं इनको घर ले जाऊंगी, पत्तों को भी और इनके डंडल को भी, और इसकी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं यहाँ पर इनको निकाल रही थी पत्तों को और डंडल के साथ, तो अब इनका सीजन ख़त्म ही होने वाला है और पत्ते अब सूखना शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी सब्जी बना लेती हूँ इनकी लास्ट बारी की। थोड़े से है और भी, और इनके मैं अभी क्या बोलते हैं इनको अपनी भाषा में हम पतीड़ बोलते हैं, तो पत्रोड़ू भी लगा लूँगी एक बार, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लगती है इनकी अरबी के पत्तों की, और हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होती है ये ऐसी सब्जियाँ। तो मैं यहाँ पर इनके पत्ते निकाल रही थी और फिर सारे खेत की सफाई भी कर लूँगी। तो ये देखिए, निकाल लिए मैंने ये पत्ते, और वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने घास का लिया एक, क्या बोलते हैं उसको, और उससे बांध रही थी मैं, और इससे नहीं बांधा जा रहा था ये, तो मैंने खीरे की बेल ली और इससे बांधा, और अब मैं सारा घास इसका साफ़ कर लूँगी अरबी के खेत का। अब थोड़े दिनों बाद हम अरबी को निकाल भी लेंगे। और टमाटर भी अब ख़त्म ही हो चुके हैं, तो इनमें बीमारी जैसी लगी टमाटर के खेत में, टमाटर के पौधों में, और देखिए सारे एकदम से ख़राब हो गए। तो मैं आ गई थी घर में, और यहाँ पर मैं कर रही थी इनके पत्ते और ये क्या बोलते हैं इसको, पत्ते और डंटल को कट, तो इनके धागे जैसे निकलते हैं, ये निकालने पड़ते हैं डंडल के, और फिर इनको मैं कट कर रही थी मिक्स इन डंडल को और पत्तों को। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और हम इसको तरीदार बनाना चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा करके भी बना सकते हैं और चावल के साथ खा सकते हैं। अगर हम चपाती के साथ खाना चाहें तो थोड़ा सूखी सूखी भी बना सकते हैं, जैसे कि साग होता है। तो ये देखिए, मैं इन सारे पत्तों को अब कट कर लूँगी, पत्तों को और डंडल को।
इसमें मैंने पानी डाला था तसले में, और इनको मैं धो भी रही थी और साथ साथ में फिर कट भी कर रही थी। तो ये देखिए कर लिए मैंने कट और चूल्हे के ऊपर रख दी है कढ़ाई। तो मैं बच्चों के साथ बातें कर रही थी और कढ़ाई मैंने रख ली है। अब मैं इसको इन पत्तों को इसके बीच में डाल दूंगी कढ़ाई के बीच में, और जितनी देर को ये पकेंगे उतनी देर को मैं लहसुन प्याज मतलब तड़का तैयार करूंगी। तो इसमें चूल्हे में जैसे हमने राख लगाई, चूल्हे में नहीं कढ़ाई में राख लगाई, तो इसमें वो लग पड़ गई थी राख कढ़ाई में, और इसको निकाल रही थी भारती। तो ये देखिए डाल दिए मैंने अब ये पत्ते और डंडल कट करके। अभी तो इतने लग रहे हैं जैसे कि भरी है कढ़ाई, और बाद में जब पक जाएंगे तो थोड़ा सा हो जाएंगे। पहले हमारे दादा दादी बनाते थे, पर इनको सुखा कर बनाते थे और ऐसे भी बनाते थे। सुखा कर ऐसा होता है कि आगे जैसे सर्दियों के टाइम में हमारे को कोई सब्ज़ी नहीं मिलती बनाने को, तो इनको सुखा कर रखा हो तो इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया और अब मैं इसको पकने दूंगी अच्छे से, और जितने को ये पकेगा उतने को मैं तड़का तैयार करके रख दूंगी। लहसुन प्याज सारे मसाले इकट्ठे करके ये मैंने ढक्कन लगा दिया इसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्याज ऐसे बड़े बड़े पीस कट करके रख लूँगी, और थोड़ा सा एक गट्ठा मैं छोटा छोटा कुतरा करके रख दूँगी। तो ये लंबे लंबे पीस काट करके इसको भी इसमें डालेंगे। और प्याज तो ये मैंने तड़के के लिए प्याज कट कर लिया था। और यहाँ पर मेरी बेटी मीनाक्षी भी करवा रही थी मेरे साथ तड़के की तैयारी। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका था, इसको मैंने अच्छे से पका लिया और अब ये अच्छे से पक चुका है, और अब लगाऊंगी मैं इसमें तड़का। तो मैंने दूसरा बर्तन रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और इसमें डाल दिया मैंने तेल। ये लहसुन प्याज के छिलके मैं अपनी गाय को दे देती हूँ। तो ये मैंने और ये डाल दी हल्दी। तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था, और अब मैंने इसमें डाल दिया साबुत धनिया के दाने और कटा हुआ प्याज लहसुन। तो हमें इस सब्ज़ी में थोड़ी सी खटाई लगानी पड़ती है, हम अनारदाना भी लगा सकते हैं। मैंने जीरा डाल दिया,
अनारदाना भी लगा सकते हैं। और ये मेथी डाल दी मैंने, अनारदाना और या आंवले हो हमारे पास, आंवला पाउडर पीसे हुए आंवले, या फिर टमाटर, इससे ये क्या बोलते हैं उसको खराश नहीं होती गले में। और ये मैंने हल्दी और टमाटर डाल दिए, तो अब मेरा तड़का हो गया तैयार। खटाई से इसमें खराश नहीं होती, वैसे अगर हम इसको सिंपल तरीके से बनाए तो इसमें खराश रह जाती है और फिर सब्जी खाना मुश्किल हो जाती है। यह पीस कद्दूकस किए हुए आंवले, तो मैंने टमाटर भी लगा दिए और आंवले भी लगा दिए, इसमें डाल दिए। मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लगी है, और माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा। ये मैंने नमक डाल दिया, मैं घास को जा रही थी और जाते जाते मैंने वीडियो एडिट की है। ये है अजवाइन, क्योंकि वो बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, अगर हम पत्रोड़ू बनाने लगे तो ये सब्जी जल्दी से बन जाती है और पत्रोड़ू की तरह ही स्वादिष्ट बनती है। तो तड़का मेरा तैयार हो चुका था और अब मैंने इसमें डाल दी ये सब्जी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और चूल्हे में डाली है मैंने मक्की भूनने के लिए। तो अगर मेरी आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। ये मैंने लंबे लंबे पीस किए हुए थे प्याज के, इसको भी मैंने इसके बीच में डाल दिया। और स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम, जय माता दी। ये देखिए सब्जी मेरी अच्छे से तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये सब्जी। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, आप बार बार बनाकर खाओगे इसे, और ये जल्दी भी बन जाती है, इतना टाइम भी नहीं लगता इसमें जितना पत्रोड़ू बनाने में लगता है। तो मैं जा रही थी घास को और मुझे लेट हो रही थी घास को जाने के लिए, क्योंकि घर में मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, कपड़े धो लिए थे, तो लेट हो रही थी घास को। मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया और जल्दी में मैंने वीडियो एडिट की है। आज बेटी का पेपर भी नहीं था तो मैंने सोचा वीडियो ही डाल देती हूँ। पहले की थी मेरे पास क्लिप कई दिनों की। और आजकल प्रिंस फिर से बीमार हो गया है, उसके कान में दर्द है, तो मैं कपड़े धो करके आ गई थी घास को और उसके बाद उसको दवाई को ले जाऊँगी। तो माफ़ कीजिएगा, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे जल्दी लगी थी। मैंने घास काटना था और फिर पशुओं को अंदर बांध करके उनको पानी वगैरह पिला करके फिर मैंने प्रिंस को दवाई को ले जाना है। तो ये मेरी सब्जी बन गई थी।